हम लोग अपनी पैकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना पोर्ट्रेट ले लीजिए, जो भी आपको पैक करना है वो आप पोर्ट्रेट ले लीजिए। और उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक A3 साइज़ का मैंने कट करके रखा हुआ एक हार्ड कार्डबोर्ड है। आप ऐसा कार्डबोर्ड जो भी आपके पास घर में अवेलेबल हो वो कार्डबोर्ड आप ले सकते हैं। मैंने A3 साइज़ का रखा है पहले से काफ़ी सारे कट करके, क्योंकि जनरली मेरा यही यूज़ में होता है, मैं इसी साइज़ में ज़्यादातर पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ। तो अब मैंने इसके ऊपर इसको रख लिया ताकि ये बेंड ना हो। अब इसके ऊपर रखने के बाद आप वैक्स पेपर या फिर गेटवे शीट ले लीजिए और इसको आपको इस पर रैप कर देना है अच्छे से, कुछ इस तरीके से। और अब इसको अच्छे से रैप करने के बाद आप इसको एक पैकिंग बैग में डाल दीजिए। और इस तरीके की पैकिंग बैग अगर आपके पास अवेलेबल है घर में, ये इजीली कहीं भी मिल जाती है। अगर नहीं है तो आपको ये 2-3 रुपए की किसी भी आपके आसपास कोई भी दुकान हो कपड़े वपड़े की, उससे भी मिल जाएगी, या फिर आप वैसे मांग के ले आइए उनसे एक दो। इसको आप अच्छे से पैक कर दीजिए और इसकी ये टेप रिमूव करके हम लोग इसको बढ़िया सा पैक कर देते हैं। इसके बाद मैं इसको ये फोम शीट मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, आप बबल रैप या फिर न्यूज़पेपर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं इसको भी एक बार रैप कर देता हूँ अच्छे से, और फिर रैप करने के बाद हम इसको कार्डबोर्ड से पैक करेंगे। अब इसको फोम या फिर बबल रैप या न्यूज़पेपर में अच्छे से रैप करने के बाद हम इसको कार्डबोर्ड से रैप कर देंगे। अब यहाँ पर मेरे पास एक बड़ा सा कार्डबोर्ड का पीस है, आपके पास जो भी कार्डबोर्ड हो फ्रिज के डब्बे का या किसी भी चीज़ का, वॉशिंग मशीन का, वो आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें मैं स्कोरिंग कर लेता हूँ कटर की बैक साइड के साथ, ताकि मैं इसके एग्जैक्ट साइज़ का एक बॉक्स बना सकूं। कटर की बैक साइड से आपको ये करना है, इससे बेंड होने लगेगा इजीली। अब ये बेंड हो रहा है इजीली। अब इस कार्डबोर्ड में अच्छे से स्कोरिंग करने के बाद अब ये अच्छे से बॉक्स की शेप में बन गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसके अंदर अपना पोर्ट्रेट डाल देंगे और इसको पैक कर देंगे अच्छे से। तो मैं यहाँ पर ये पोर्ट्रेट रखता हूँ और इसके साथ ही मैं इसको पैक कर देता हूँ अच्छे से। अब इसके सभी साइड्स पे टेप लगाने के बाद हमारा पोर्ट्रेट एकदम पैक होके रेडी है। अब आप इसको कहीं भी डिलीवर कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं चाहिए लिखा हुआ इसके ऊपर, तो इसके ऊपर आप कोई भी वाइट या ब्लैक चार्ट पेपर चिपका दीजिए, तो ज़्यादा क्लीन लुक आएगा उससे। तो अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो अपडेट मिस ना करें। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी पेंटिंग। आपने मुझे इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।